आगे देखिए फुल स्टॉप, ये तो पता होगा जहां पर स्टेटमेंट समाप्त हो जाए वहां फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो जहां पर स्टेटमेंट समाप्त हो जैसे ही लिव्स इन अ विलेज फुल स्टॉप दे दिया, टेक ऑफ योर शूज फुल स्टॉप दे दिया, हम यहाँ पे देख रहे हो सब लोग, तो यहाँ फुल स्टॉप दे दिया। जहां पे सेंटेंस समाप्त हो रहा हो, स्टेटमेंट समाप्त हो रहा हो, वहां फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखो इन्वर्टेड कॉमास, इसको कॉमास बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। क्यों सर? क्योंकि कॉमा डबल है, डबल है, इसको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। जब वक्ता कथन को ठीक ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे सी सेड आई एम बिजी, शी सेड आई एम बिजी। देखो यहाँ पे शी सेड आई एम बिजी, यहाँ पे क्या लगाया गया? इन्वर्टेड कॉमा से उसको घर को क्लोज कर दिया गया। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब हो गया अपने बाउंड्री के अंदर रहो, तुमको बाहर नहीं निकलना है, बाहर खतरा है। तो सी सेड आई एम बिजी, अब आई एम बिजी को छेड़ नहीं सकता क्योंकि बॉक्स में आ गई है, ये घर के अंदर आ गई है ना। ही सेड इट्स माय टर्न टू स्पीक, ही सेड इट्स माय टर्न टू स्पीक, तो इट्स माय टर्न टू स्पीक को वो छेड़ नहीं सकता क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर आ गया है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया है। तो ही सेड ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, हो गया रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको कुछ छेड़ नहीं सकता है। और